परिवार है सब। ये तो है। अरे उसमें लड़के भी तो होंगे काम करने वाले। यही सब है। तो उसमें वाराणसी के संभागीय पदाधिकारी और ARO और मैं एक टीम बनाकर वहाँ पर जो है बसों की जांच हो रही थी। एक वाहन UP 62-95-47 बस थी जिसके प्रपत्र भी नहीं थे और रोडवेज गेट से ही सवारियाँ भर रहा था, तो उसको जो है प्रपत्र के अभाव में और दगामारी के आरोप में जो है हम लोगों ने निरुद्ध किया था जफराबाद में। तो वाहन स्वामी ने अपने वाहन को प्रपत्र बाद में दिखाया और जो भी अनियमितता थी उसके आरोप में प्रश्न राशि भी जमा किया। जमा करने के बाद वाहन भी अवमुक्त किया गया, लेकिन उसके पश्चात वाहन स्वामी द्वारा जो है टीम के सभी सदस्यों के साथ अभद्रता दी गई और काफ़ी संख्या में लोगों को एकत्रित करके कार्यालय में भी और रोडवेज परिसर में भी ARO कार्यालय में भी अराजकता फैला। आप द्वारा थाने में तहरीर दी गई है? हमारे द्वारा थाने में तहरीर दी गई है, हमारे द्वारा भी दी गई है, ARO रोडवेज द्वारा भी दी गई है और परिषद अच्छी महोदय को भी अवगत करा दिया गया था। इस घटना से जो तहरीर ज्ञात है कि अज्ञात है? नहीं, ज्ञात है, वाहन स्वामी तो ज्ञात है, 95-47 वाहन संख्या है, वाहन स्वामी का नाम ज्ञात है, ज्ञात है, उसके साथ अन्य अज्ञात लोग हैं। ठीक सर, ये कह रहे थे ARO ऑफिस में क्यों हंगामा हुआ था, क्या बात थी? कल हम यहाँ आए थे अपने गाड़ी के पंजीयन के लिए, यहाँ आने पर देखा यहाँ हमने कि ARO कमरे में 50 लोग घुसे, गाली पकड़ दे रहे थे खुद, हम लोग भाग गए यहाँ से, हम लोगों का काम भी नहीं हुआ, हम लोग को यहाँ गाली कुत्ता देके तो भाग गए। ये मामला कल पुलिस से संज्ञान में आया था। वास्तव में ये बस जफराबाद थाने में पकड़ी गई थी, जहाँ पर जो है वो कुछ लोगों द्वारा जो है इसका विरोध किया गया। लोग आए और ARO ऑफिस में कुछ अभद्रता किए हैं, उसकी तहरीर जो है ARO ऑफिस से मिली है, COCTs में जांच कर रहे हैं, जांच में जो भी तथ्य हमारे संज्ञान में आएंगे उनके हिसाब से विधि कार्रवाई की जाएगी। क्या किसी गिरफ्तारी वगैरह भी की गई? नहीं, अभी तो इसमें मुकदमा ही नहीं पंजीकृत है, अभी तो जांच चल रही है।